जी, मेरा सवाल था। कुरान में लिखा है हाँ कि दुनिया 6 दिन में बनी है, लेकिन दुनिया 6 दिन में नहीं बन सकती है। साइंस के हिसाब से 24 घंटे वाले 6 दिन में नहीं बन सकती जी है। कुरान गलत नहीं हुआ यहाँ पे? और एक हदीस भी इसके ऊपर जो कहता है, जो कहता है कि दुनिया मंडे बनी, ट्यूसडे बनी और फ्राइडे को दुनिया कंप्लीट हुई थी। ऐसे हो नहीं सकता है साइंस के हिसाब से। तो हम देखिए, साइंस की बात यहां पर नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि हम शरीयत की बात रख रहे हैं। जी शेख, आप कुछ जवाब दे रहे हैं? आप ये बताइए, अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आपका ये अकीदा है कि नहीं कि इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह नहीं, ताला हर चीज मैं पर कादिर है? अल्लाह ताला कहे कि हो जा, हो जाएगा कुछ भी, क्या आपका ये अकीदा है कि नहीं? अगर किसी का ये अकीदा नहीं है फिर वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह ताला, देखिए, हमारी जो अक्ल है, हमारी जो ताकत है, वो महदूद है, लिमिटेड है। हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये चीज ऐसा अल्लाह ताला से नहीं हो सकता? ये तो कुफ्र है। अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ये हमारी जो महदूद और लिमिटेड हमारी अक्ल है, उसके जरिया से हम कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, हमारे लिए मुमकिन नहीं है ऐसा करना, लेकिन अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला एक कतरे से एक इंसान को बना देता है। इंसान के जिस्म के अंदर क्या क्या निशानियां हैं, साइंस भी उन निशानियों तक पहुंचने से कासिर है। तो अल्लाह के लिए जब ये मुमकिन है कि आपका वजूद नहीं था एक कतरे से, बल्कि एक कतरे से नहीं, एक ऐसे कीड़े से जो इंसानी आंखों से नजर भी नहीं आ सकता है, अल्लाह ताला ने उससे आपको पैदा कर दिया, तो कौन सी चीज नामुमकिन है? जी गैस भाई बताएं। जी, लेकिन हम उसको कंपेयर तो साइंस से सही करेंगे ना। सही है, गलत है, क्यों कोई कंपेयर कंपेयर करने साइंस के लिए से कोई चीज करेंगे होनी आप? चाहिए, मतलब बेहतर समझने के लिए। बेहतर समझने के लिए आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं या कि गैर मुस्लिम हैं? जी, मुसलमान ही हूं। आप मुसलमान हैं, जी, तो तो साइंस तो जन्नत जहन्नम को भी नहीं मानती है, साइंस तो अल्लाह ताला को भी नहीं मानती है, साइंस नहीं मानती है, तो फिर आप कैसे जी मानते हैं अल्लाह ताला को? साइंस जन्नत जहन्नम को, जी कयामत को, आखिरत को नहीं मानती है। जी मैं समझ गया आपका जवाब, समझ गया। तो आप देखिए, हमारी जो अक्ल है, जो जाहिर है, साइंस ये इंसानों का अमल है, साइंस ये इंसानों का अमल है, और इस पूरी कायनात के अंदर इंसान की क्या हैसियत है, उसके पास कितना इल्म है? इस कायनात के जी अंदर जो चीजें हैं उनमें से इंसान के पास आप बताइए कितना इल्म है? साइंस खुद इस बात का एतराफ करती है कि इस कायनात में जितनी चीजें हैं, एक सेहरा के अंदर पड़े हुए एक जर्रे के बराबर भी इल्म इंसान के पास नहीं आया है। फिर वो इंसान ये फैसला कैसे कर सकता है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है? जी जी, मैं समझ गया आपका जवाब।